हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ कश्यप आपके चैनल माय लाइफ वीडियोस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि पढ़ना लिखना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इस चीज को पूरी विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम नर्सरी से लेकर 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन और हाई डिग्री करते हैं। पढ़ना लिखना आखिर क्यों जरूरी है? चलो दोस्तों, कुछ कहते हैं कि भाई पढ़ लिए इस वजह से हमें नौकरी मिलेगी, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमें नौकरी देगा कौन। ये बात में बिल्कुल सही है और बिल्कुल 100% फैक्ट है दोस्तों। पर बात ये आती है कि जो हम नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से लेकर 12th ग्रेजुएशन में जो हम चीजें पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम थ्योरी वगैरह जो मैथ्स में पढ़ते हैं, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, मेटल, नॉन मेटल, जो भी चीज, ये सब चीजें हमारी नौकरी में कहाँ काम आता है, ठीक है? इन सब चीजों से हमारा क्या लेना देना है फ्यूचर में? अगर जो चलो मान लो हमने एक हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली, ठीक है, हमने 12th अच्छे नंबरों से पास कर ली, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन के बाद किसी ने MCA कर लिया, मास्टर कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यानी कि उस पर्सन के पास एक कंप्यूटर की हाई लेवल की डिग्री है, उसके बाद वो एक बढ़िया कंपनी में सेट हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है, अब उसका काम वहां पर है कंप्यूटर के ऊपर। तो बताइए 12th में पढ़ी मैथ्स या थ्योरम या साइंस उस कंप्यूटर में उसके क्या काम आएगी, ठीक है? तो दोस्तों यही चीज आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि जो हम नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं वो हमारे क्या काम आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले उस चीज को आसानी से समझा सकूं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा कि कई सारे कारीगर जो होते हैं भगवान की मूर्ति बनाते हैं पत्थर से, ठीक है, तो वो लोग मूर्ति बनाने के लिए क्या करते हैं, पत्थर लेते हैं और एक छेनी हथौड़े से उसे तराशते हैं और एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है पत्थर का हटा देते हैं और मूर्ति उस पत्थर के अंदर से निकल जाती है। कहने का मतलब मेरा यही है, एक छोटा सा तात्पर्य, कि जो मूर्ति है उस पत्थर के अंदर पहले से अवेलेबल होती है, बस उसे जरूरत होती है एक कुशल कारीगर द्वारा तराशने की, ठीक है। उसी प्रकार एक पर्सन के अंदर उसकी खूबियां मौजूद होती है पहले से, उसे निखारने के लिए जरूरत होती है हमें पढ़ने की, ठीक है। जो गुरु होता है वो हमें तराशता है उसी मूर्ति की तरह, जिस मूर्ति को एक कारीगर तराश के भगवान बाहर निकालता है पत्थर में से, ठीक है दोस्तों। कोई भी पत्थर लो, उसमें भगवान पहले से मौजूद होते हैं, उसे जरूरत होती है तो एक कुशल कारीगर द्वारा तराशने की, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि हम पढ़ते लिखते क्यों है, हमारे अंदर खूब सारी ऐसी चीजें मौजूद है जो हमें पता नहीं है, हम बिलीव नहीं कर सकते ऐसी चीजें, ठीक है। उसे निकालने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए, उसे एनर्जेटिक फोर्स लगाने के लिए एक कुशल कारीगर की जरूरत है। हमारे लिए वो कुशल कारीगर है हमारे गुरु, ठीक है। वो गुरु हमें तराशते रहते हैं। हम नर्सरी से लेकर 12th ग्रेजुएशन, हायर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जाकर आप एक कुशल कारीगर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं और ये तराशने का काम करते हैं हमारे गुरु जी। अब बात आती है कि भाई ये हम पढ़ते ये सब चीजें क्यों हैं, ठीक है, पढ़ाई में ये थ्योरम वगैरह क्यों होती है, ठीक है। अब देखो भाई, आपको मैं एक सीधी सी एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज अगर पड़ी रहती है, ठीक है, कोई भी एक मशीन का पुर्जा हुआ या फिर कोई ऐसी चीज जो गतिशील चीज हो, जिसमें गति होती हो, उस चीज को आप काफी दिनों तक पड़ा रहने दो, उसे काम में मत लो, तो वो चीज धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी, उसमें जंग लगनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। अब हमारा मस्तिष्क जो होता है ना, इसमें ये चार भागों में बटा हुआ होता है, ध्यान देना दोस्तों, ये चार भागों में बटा होता है और इसके अंदर क्या होता है कि हर एक पार्ट के लिए एक अलग एरिया होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमें कुछ चीज सोचनी है तो सोचने के लिए जो शक्ति हमारे दिमाग से आती है वो एक अलग पार्ट से आती है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे जो दिमाग में जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करता है वो एक अलग एरिया सॉल्व करता है, साइंस के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे दिमाग के अंदर
अंदर वो एक अलग एरिया सॉल्व करता है, ठीक है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट, हर एक पर्टिकुलर चीजों के लिए हमारे दिमाग में अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लो किसी बच्चे को बात आती है कि भाई बनना है पायलट, तो पायलट बनना कोई चुटकी का काम नहीं है। पायलट बनने के लिए आपको पहले खूब सारे टेस्ट पास करने होते हैं, और जिसमें से दोस्तों आपको पता होगा कि पायलट बनने के लिए जी फोर्स टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई हम एरोप्लेन में बैठते हैं और एरोप्लेन एक डमी टाइप का होता है और वो राउंड राउंड घूमता है। उसमें क्या होता है कि हमारे विपरीत एक जी फोर्स लगता है, ठीक है। तो इससे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई हम एक सपोज डेट एक हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाता है कि आपका प्लेन खराब हो गया है। अब आपको इस सिचुएशन में सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मस्तिष्क को तैयार करने के लिए हमें बचपन से ही तैयार किया जाता है। दोस्तों मेरी बात को आप गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें पायलट बनना है तो हमारा दिमाग इस तरीके से होना चाहिए कि कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। यदि मैं पूछूं 35+35 तो सोचने का टाइम नहीं चाहिए दोस्तों, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। ये तो मैं इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी कि जो पायलट इंजीनियर वगैरह होते हैं उनके पास सोचने का टाइम नहीं होता है, क्वेश्चन आते ही आंसर साथ में आ जाना चाहिए। इस तरीके से मस्तिष्क को बनाने के लिए जरूरत होती है नर्सरी के जी, प्रे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ट्वेल्व, ग्रेजुएशन और हायर ग्रेजुएशन जैसे इन डिग्रीज को हासिल करने के लिए। इन डिग्रियों के अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ थ्योरम होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क शार्प होता है, उसका हर एक एरिया शार्प होता है, मैथमेटिक्स वाला एरिया शार्प होता है, अजीब अजीब प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस एरिया को हमें शार्प करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो भाई बात यही है कि हमारा पढ़ाई करने का उद्देश्य, हम जो पढ़ते हैं वो काम आता कहाँ है, वो सिर्फ पढ़ाई इसलिए कराई जाती है कि हमारे दिमाग में जो अलग अलग सेक्शन हैं उस सभी सेक्शन के जो एरिया हैं वो मजबूत हो सके, उनकी नींव मजबूत हो सके, ठीक है। अगर देखो भाई हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं बनता, क्यों? हर कोई ढंग से नहीं पढ़ता। आपको पता है ये, आप मानो ना मानो, एट्थ तक तो बच्चा फेल होता ही नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है, तो यानी कि एट्थ तक तो वो कुल मजे मारता है। उसके बाद आती है नाइन्थ और टेंथ, टेंथ में वो पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो थर्ड डिवीजन तो पास हो ही जाता है। बहुत मुश्किल से होता है जब ग्रेस और फेल होता है, ट्वेल्थ में निकल जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे का मस्तिष्क का ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब जैसा कि आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में पढ़ा था कि अब पढ़ना जरूरी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात उन लोगों पे लागू होती है जो बॉर्न स्टार होते हैं। बॉर्न स्टार का मतलब है जो पैदाइशी स्टार होते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे प्रकृति के अंदर कई ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए हैं जो बच्चे पैदा होने के साथ ही सुपर स्टार माइंड वाले होते हैं। उन्हें सब चीजें, यानी कि उनके मस्तिष्क में उस पर्टिकुलर चीज का जो हिस्सा है पहले से ही वेल डेवलप है। यानी कि आप नेट पर सर्च करेंगे ना, आप कुछ भी चीजें के वेल सुपर स्टार बच्चे या फिर इस टाइप के कुछ भी, तो आपको खूब सारे वहाँ वीडियोज देखने को मिलेंगे जो पैदा हुए बच्चे मैथ्स के बड़े बड़े थ्योरम्स को चंद सेकंड में सॉल्व कर देता है, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ ये दुर्घटना ग्रस्त होने के बाद हुआ, ठीक है। यानी कि कुछ मैं आपको बताता हूँ, नाम तो मेरे को पता नहीं, कुछ बच्चे हैं जिनके कुछ एक्सीडेंट होने के कारण वो बच्चों के मस्तिष्क में इस प्रकार से चोट लगी कि उनका मस्तिष्क कुछ हायर लेवल पर काम करने लग गया, ठीक है दोस्तों। एक स्रोत के से ये पता चलता है कि जो मानव है, जो आम मानव है, वो अपने दिमाग का सिर्फ 2% हिस्सा यूज में लेता है। यानी कि हम हमारा जो पूरा ब्रेन होता है उसमें से सिर्फ 2% ही यूज में लेते हैं, ठीक है। और जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन अपने दिमाग का सिर्फ 4 से लेकर 4.5% तक यूज में लेता है। तो
दोस्तों आप खुद सोचो कि आइंस्टाइन जैसा बड़ा वैज्ञानिक जिसने काफी सारे हल दे दिए, तो क्वांटम थ्योरी जैसी आइंस्टाइन ने बता रही है, फ्यूचर में जाने तक की मशीनों का इजाद करने का उसने पूरा तरीका दे दिया है, वो सिर्फ अपने मस्तिष्क का 4 से 4.5% हिस्सा यूज कर रहा है। और यदि हम आम मानव हमारे मस्तिष्क का 2% हिस्सा यूज कर रहे हैं, तो हम अगर हमारे हिस्से मस्तिष्क के अगर 100 लेवल यूज करने लग जाए तो दोस्तों क्या हो सकता है। इसके ऊपर एक पूरी पिक्चर भी बनी हुई है दोस्तों कि यदि मानव हमारे मस्तिष्क का धीरे धीरे लेवल जो यूज करने का लेवल बढ़ाता रहे तो उस समय उसके साथ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैं अब आप पूछेंगे कि यार ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम हमारे मस्तिष्क का यूज लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई हम 2% यूज करते हैं तो हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये सब पॉसिबल होता है कुछ पढ़ाई करने से, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एकदम शार्पली पढ़े, एकदम फोकसफुली पढ़े और ध्यानपूर्वक पढ़े। और दूसरा ये होता है एक ध्यान लगाने से, ध्यान से मतलब है मेरा योगा करने से, ठीक है, योगा कोई ऐसा वैसा नहीं, ध्यान योगा एक शिक्षा के लिए एक अलग से योगा आता है, योगा में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेडिटेशन जो होता है एक एजुकेशन के लिए एक अलग से मेडिटेशन होता है, जिसमें आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते समय उस मेडिटेशन को करते हैं तो आपको जो माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हैं जल्दी क्लियर होते हैं, ठीक है। उस मेडिटेशन बुक में काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट आप बाजार में जाके ले सकते हैं, ऐसी बाजार में खूब सारी किताबें आती हैं जिसमें आपको अपने माइंड की स्मरण शक्तियों को बढ़ाने का तरीका दे रखा है, और ये बिल्कुल फैक्टफुली है, ये बिल्कुल काम करती है, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट सर्टिफाइड ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, साइंटिस्ट इन पर रिसर्च कर चुके हैं और ये फैक्ट है कि योग से ही बंदा आगे बढ़ सकता है। योगा एक मेडिटेशन एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे आप भविष्य में अनंत काल अपूर्ति चीज सोच जो आप सोच नहीं सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरा इस वीडियो से बनाने का यही मतलब है कि सब पढ़ते रहना ही हमारे जिंदगी का उद्देश्य नहीं है, या एक अच्छी नौकरी हासिल करना हमारी जिंदगी का उद्देश्य नहीं है, जो हम कर रहे हैं उससे हमारी पूरी लगन के साथ करना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। हम दिन में 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या नहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं तो कहूँ 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं, पर दोस्तों ऐसा पढ़ना है कि यहाँ पर सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, जो करो पूरी ईमानदारी के साथ करो दोस्तों, हमारा ये वक्त हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो करना है ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है दोस्तों, और जो पढ़ना है बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड के साथ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। साइंटिफिक देखा जाए तो जो बच्चे सुबह की ओर पढ़ते हैं, सुबह के वक्त जो पढ़ाई की जाती है वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेफ रहती है। ये बात किस लिए होती है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक दिमाग में सेफ रहती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई सुबह की तरफ जो पढ़ते हैं तो फ्रेश एयर मिलती है, जिसके कारण हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में सेट रहता है। पर अगर आप इसको साइंटिफिकली देखेंगे, एक साइंटिस्ट के नजरिए से देखेंगे, तो भाई बात ये आती है कि जब हम रात भर सो जाते हैं तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स स्टेज में होता है, ठीक है, रिलैक्स स्टेज के अंदर, यानी कि सोता नहीं है, उसकी कुछ प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं, ठीक है, एक रिलैक्सेशन स्टेज में होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो एक प्रकार से हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है, और उसके बाद जो हम चीज लेते हैं वो हमारे माइंड में अच्छी तरीके से पकड़ ली जाती है, इस तरीके से पकड़ ली जाती है कि उन्हें वापस से रिकॉल किया जाए, यानी कि जब हम उसे वापस से याद करने की कोशिश करें तो वो हमें अच्छी तरीके से और बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कभी सोता नहीं है, ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा गतिशील रहता है, यहाँ तक कि हमारे सोने के बाद भी ये मस्तिष्क अंदर ही अंदर काम करता रहता है।
जो हमने दिन भर देखा, सोचा, सुना, कहा, उन सब की एक पिक्चराइज मेमोरी ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट कर लेता है। जब हम रात को सोते हैं उसके बाद ये दिमाग देखता है कि भाई दिन भर में हमने क्या किया, उसमें से कौन सी चीज़ स्टोर करने लायक है और कौन सी चीज़ फालतू है। ठीक है, अब आपने स्कूल में जो पढ़ा वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दिमाग को पता है कि आपने जो स्कूल में पढ़ा वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसे ये सेव कर लेगा। अब आप दिन भर में कितनी बार टॉयलेट गए, आपने कितनी बार पानी पिया, आपने दिन में कितनी रोटी खाई, ये सब आपके याद रखने की चीज़ें नहीं हैं, इसलिए दिमाग इसे डिलीट कर देगा। ठीक है, ये माइंड रात को वर्क करता है, रात को भी ये काम करता रहता है, माइंड कभी रुकता नहीं है, यहाँ पर मस्तिष्क में हमेशा 24 घंटे काम चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात आती है सपनों की, तो सपने क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपने क्या होता है, जो हम ये सब चीज़ें जो सोचते हैं, जो दिन भर करते हैं, उन चीज़ों को दोस्तों ये क्या करता है कि एक अच्छी तरीके से पैकेजिंग करने के लिए, यानी कि इन फ्यूचर हम इन चीज़ों को वापस से रिकॉल कर सकें, उनको अच्छी तरीके से जोड़ के अपने अंदर समेट के रखने के लिए ये एक सपनों की तरह इनको लिंक कर देता है। ठीक है, इसके अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ। मेरा मेन वीडियो ये बनाने का उद्देश्य यही है कि दोस्तों पढ़ना लिखना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ें, ताकि जो हमारा वैल्यूबल टाइम जो हम इसमें खर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ सके। यानी कि वो लकड़हारा यानी कि वो जो लकड़हारा जो पेड़ काट रहा है, एक दिन में जो 10 पेड़ काटता है, अगर वो अगले दिन वापस 10 पेड़ काटता है तो वो देखता है कि दिन ब दिन वो पेड़ काटना कम हो रहा है। क्यों? एक दिन वो 10 पेड़ काटता है, दूसरे दिन वो 10, तीसरे दिन वो 9, उसके अगले दिन वो उससे भी कम पेड़ काट रहा है। यदि वो अपने कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएगा, तो उसके काम में प्रगति में स्पीड नहीं आएगी, उसके काम के अंदर स्पीड नहीं आएगी। उसी प्रकार हमें कोई भी काम करना है, तो हमारे को भी हमारे दिमाग पे धार लगानी होगी, जिससे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और हमारे दिमाग पे हम धार लगा सकते हैं सिर्फ पढ़कर, पढ़ना ही हमारे दिमाग में धार लगाना है। जिस प्रकार से लकड़हारा हमारी अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाकर पेड़ों को काटता चला जाता है, उसी प्रकार से हमें पायलट, लोको पायलट या किसी भी पोस्ट पर जाना है तो हमें भी हमारे दिमाग पर धार लगानी होगी, और धार ईमानदारी से लगानी होगी, मन मर्जी यूं ही नहीं, अगर सही से धार लगाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप सही से पढ़ेंगे तो ही दोस्तों आप सही से बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद पास में रखे बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, थैंक्स टू वॉचिंग योर चैनल माई लाइफ वीडियोज़।